प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ली स्वास्थ्य विभाग की बैठक। निवास कार्यालय में हुई बैठक में विभाग के आला अधिकारी के साथ तैयारियों के साथ कार्य की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक के बाद चर्चा में बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के साथ कोरोना वायरस की संभावित लहर की भी तैयारियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा डेंगू के सामने आ रहे प्रकरणों की समीक्षा की गई। इसके अलावा वायरोलॉजी लैब से लेकर आयुष्मान और डॉक्टर खूबचंद बघेल की योजना की स्थिति के बारे में भी जायजा लिया गया। वहीं ब्लड टेस्ट की उपलब्धता के साथ प्रमोशन और भर्ती की भी समीक्षा हुई है। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज। इसमें मुख्य रूप से समीक्षा थी कि स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारियां हैं, कोविड की तीसरी संभावित लहर के संदर्भ में भी क्या तैयारियां हैं, तो अच्छे जानकारी प्राप्त हुई कि करीब करीब सभी पैमाने पे विभाग ने आगे आकर तैयारी कर ली है। सामान खरीदने के लिए भी केंद्र सरकार के साथ जो राशियां हमको मिलनी थी, तो 514 करोड़ रुपए की राशि जो 60-40 के अनुपात में उपलब्ध होगी, तो राज्य सरकार के बजट से भी अनुपूरक से भी हमको राशि मिल गई है। तो बहुत सारी सामग्रियां, वेंटिलेटर्स से लेके बाकी जो सामग्रियां हमको आवश्यक पड़ेंगी, उनको खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। ये सर, डेंगू के मामले लगातार रायपुर में बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर में डेंगू के मामले हैं, इसकी भी समीक्षा हुई। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये स्थिति है, इसकी आज की स्थिति 375 प्रकरण, और 375 प्रकरण में से 313 प्रकरण रायपुर में है। ये रायपुर के लिए जरूर चिंता की बात है, और विभाग प्रमुख ने कलेक्टर साहब के साथ, नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके एक बड़े अभियान की आवश्यकता, क्योंकि जब तक नागरिक भी इसमें सहयोग नहीं करेंगे थोड़ी दिक्कत होती है। पानी, ठहरा हुआ पानी कूलर में या फ्रिज के नीचे का ट्रे है उसमें पानी पड़ा रहता है, और वहाँ जाके लार्वा अगर पड़ा हुआ है तो वही डेंगू के मच्छर पैदा कर देता है। पानी फेंकना है, हमने पता चला जहाँ पानी है वहीं पर वो पानी फेंक दिया, तो लार्वा एक पानी से जगह दूसरे पानी में जाके वहाँ टिक गया। तो ये जागरूकता और निरंतरता, जो दवाई डालनी है उसमें फॉगिंग उतना कारगर नहीं होता है, लेकिन फिर भी फॉगिंग के माध्यम से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जो दवाई आती है वो मुख्य रूप से दवाई लार्वा को जो मारती है उसका उपयोग, आपने जाके दवाई घर में दे दी और घर वालों ने अगर उसका उपयोग नहीं किया, और समस्त ऐसे जगहों पे जहाँ ठहरा हुआ पानी है, तो लार्वा फिर मच्छर के रूप में परिणित हो जाता है और ये डेंगू के मच्छर आ जाते हैं। तो इसके रोग का यही एक प्रमुख आधार है कि लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि हमको कैसे बचाव करना है, उस पानी को हमको दूसरे पानी में नहीं फेंकना है।